इस समय मेरे साथ है बिग बॉस ओटीटी की विनर सना मकबूल. सना वेलकम टू फिल्म विंडो. कैसी हैं? थैंक यू सो मच. आप इतनी प्रिटी और आपके जो कपड़े आप पहनती थी ना मैं इंस्टा पे जाके देखती थी कि यार ये कहाँ से लेती है कपड़े इतने स्मार्ट स्मार्ट. कमिंग इट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग वुमन हरसेल्फ आई थिंक आई रियली अप्रिशिएट दैट. थैंक यू. और मोस्ट स्टाइलिश आप हैं बट मुझे अवार्ड नहीं मिला. हम लोगों ने दे दिया ना आपको बस और क्या चाहिए है ना. कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आया था बिग बॉस जीतने के बाद जिससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया और उसने आपको मैसेज करके विश किया हो? और अनएक्सपेक्टेड तो मतलब जैसे ना बहुत लोगों का सपोर्ट मिला, बहुत लोगों का प्यार मिला जो मैंने सोचा नहीं था. फॉर मी मैं जिन्हें जानती भी नहीं थी ना उन लोगों ने भी मुझे मैसेज और सपोर्ट किया मेरे लिए. यू नो दे वर सो सपोर्टिव. गौहर हो जाएगी. आई लुक अप टू गौहर. आई फाइंड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लाइक लुक अप टू हर. और मैं उसे अभी से नहीं मिस इंडिया डेज से फॉलो करती हूँ. यू नो तो मुझे गौहर हो गई, फिर नीति टेलर, फिर देखो सो मेनी पीपल यू नो एनिमेश यादव आई डोंट नो हिम उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. हाँ हाँ उसने बोला था मुझे सना तो मुझे आप समझ रहे हो. तो मुझे ना बहुत सारा प्यार मिला. मतलब मैंने ये नहीं सोचा था कि जनता मुझे प्यार करेगी. उन लोगों ने इतना सारा प्यार दिया. सो फॉर मी दैट वॉज रियली रियली एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल. कई बार क्या होता है जब हम जीतते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड आपके लिए बदल जाता है. आपने ये जरूर फेस किया होगा. मेरे जो अपने हैं ना वो स्टिल द सेम है. ट्रस्ट मी. आपने अच्छे से अपने चुने हैं. मतलब मैं कह रही हूँ मेरे जो अपने हैं मैं आज भी उनको फोन करके बोलती हूँ यू नो माही ने मुझे बहुत प्यारा मैसेज किया कि ये तेरी लाइट है, ये तेरा टाइम है. फ्रेंड्स विल वेट, फैमिली विल वेट, दे विल अंडरस्टैंड, बट नाउ दिस इज योर लाइट, गो फॉर इट. मुझे उन्होंने बहुत प्यारा मैसेज किया. राजीव आडाटिया ने मुझे कॉल किया कि आई अंडरस्टैंड अब ये तेरा टाइम आया है, पूछा. तो जो आपके अपने हैं वो आपको हमेशा समझेंगे. अगर आप उनका एक फोन भी नहीं उठाओ ना तो दे विल नो कि शी इज बिजी बट शी विल दे विल नेवर होल्ड इट बैक. सो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव गुड फ्रेंड्स. आपका ना अभी आपने मिस इंडिया की बात की तो ट्विटर पे ना मिस इंडिया का वीडियो और एक साइड ट्रॉफी लेते हुए वीडियो मतलब दोनों ऐसे पैच होके इतना वायरल हो रहे थे. मैंने कहा चलो अब वो स्कार निकल जाएगा कि ट्रॉफी मिली मुझे. ऑफ कोर्स स्कार. सी अगेन मिस इंडिया पैजेंट मैं टॉप 5 तक पहुंची थी और मैं उसको अपने आप को क्यों ब्लेम करती हूँ क्योंकि वो स्टेज पे जब मैंने ना जब वो ऑडियंस के सामने जो फिनाले वाला क्वेश्चन था इट्स अ कॉमन क्वेश्चन राउंड और उस स्टेज पे वो बस आपको देखते हैं आप कितने कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हो. मैं आई थिंक आई वाज 16 और 17 एट दैट टाइम एंड आई मुझे दुनियादारी की समझ नहीं थी. मेरे लिए वो बहुत नया था. इट वाज वेरी न्यू फॉर मी यू नो मॉडलिंग वर्ल्ड ये लाइन ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था. मेरे लिए वो वहाँ तक पहुँचना एज अ बिग थिंग. पर जब मैं पहुँची तो मुझे ऐसा था कि मुझे जीतना है. बट देन मैंने कभी सोचा नहीं था जीत के बारे में. बट वो जो स्कार मेरे दिल में है वो किस रीज़न से है वो ये रीज़न से है कि मैंने अपने पैर से खुद कुल्हाड़ी मारी. मैं बहुत नर्वस हो गई और मैंने दिखा दिया कि मैं 17 साल की लड़की हूँ. मैंने कहा आई डोंट नो व्हाट टू से. वो एडिट होके वैसे आया नहीं बात अलग है बट मुझे पता है वो स्टेज पे क्या हुआ था. तो मैं उसको उस चीज़ को मैं ब्लेम खुद को करती हूँ कि सना तूने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी. वो स्कार मेरे लिए उस वजह से है. एंड उसके बाद मेरी लाइफ में मैंने जो चाहा मैंने पाया. मैं गो गेटर इन लाइफ. आई एम वेरी क्लियर. मैं बहुत कम दोस्त बनाती हूँ बट अच्छे दोस्त बनाती हूँ. बहुत सालों वाले फ्रेंड्स बनाती हूँ. मैं बहुत कम लिमिटेड काम चुनती हूँ और अच्छे काम चुनती हूँ. सो आई हैव ऑलवेज बीन दैट पर्सन. सो मुझसे एक वीकेंड के बारे में पूछा था कि आजकल क्या जीती हो अब तक. तो मैंने लाइफ में बहुत कुछ जीता है. जीता इन टर्म्स ऑफ मैंने जो चाहा है मैंने वो पाया. मेरे लिए वो जीत है. सो आई स्टे ऑन दैट थिंग कि मैंने जो चाहा है मैंने वो पाया. मैं गो गेटर. क्यों मैं अपने आप को गो गेटर बोलती हूँ. अगर मैं एक एक्स वाई जेड ऑडिशन पे जा रही हूँ तो मैं अपना 100% उस ऑडिशन पे देती हूँ. अब अगर वहाँ से मुझे रिजेक्शन मिलती है मेरा प्रोफेशन है तो मैं अपने आप को समझाती हूँ कि इट्स ओके समथिंग बेटर फॉर यू. तो मैं काम को लेकर कभी नहीं. बट हाँ अगर मैंने मुझे कुछ खाना है तो मैं खाती हूँ. मैं अपने मन को नहीं मारती. यू नो अगर मुझे कुछ पहनना है तो मैं पहनती हूँ. मैं अपने मन को नहीं मारती. मुझे कुछ लेना है भले वो चीज़ अगर एक्सपेंसिव भी हो तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं पैसे जोड़ लूंगी बट लूंगी जरूर. तो मैं करती हूँ वैसा. मतलब बहुत कम लोगों में करेज होता है कि दो दो रियलिटी शो करें और खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस क्या सबसे ज्यादा मुश्किल था. सी खतरों के खिलाड़ी इज अ वेरी विल गेम. आपका फिजिकल बीइंग के ऊपर है.
उधर भी आपके दिमाग की जरूरत होती है. बिग बॉस इज अ वेरी इमोशनल गेम. दिमाग की जरूरत वहां भी होती है, पर वहां दिल की भी जरूरत होती है और जिगर की भी जरूरत होती है और दम की जरूरत होती है. खतरों के खिलाड़ी में मैं अपने आप को बहुत नाजुक कली समझती थी. मैं अपने आप को फ्रजाइल समझती थी. ओके, मैं तो एक किलो भी नहीं उठा सकती हूँ, मुझसे ये क्या होगा. मैंने कभी अपने आप को वहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसे बिना. बट मेरे साथ ना जो लाइफ सेमी फाइनलिस्ट जो मतलब या आई रीच आई वाज अ अंडरडॉग बड़ी बात है. यस यार, मैंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है उस सीजन. 32nd अंडरवाटर वाला हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी, नोबडी हैज एवर डन दैट. आई डिड इट इन 30 seconds. लाइक एवरीबॉडी वाज लाइक ये लड़की करती भी है, बड़ी लड़की बहुत कुछ करती है. बट नो, बट या मतलब आई वॉज अ अंडरडॉग अगेन. आई नेवर एक्सपेक्टेड आई रीच टिल देयर. फिर लाइफ ने बहुत अपने आप यू नो बहुत चीज़ें, एक्सीडेंट हुआ, लाइफ ने एक चाटा मारा, फिर एक चाटा मारा. आप एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से डायग्नोस्ट हुए, फिर मैंने थोड़ा स्टेप बैक लिया. मैंने कहा नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन मी. मैंने अपने आप को समझा, प्यार किया, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन बनाया कि आई वॉन्ट टू लिव. आई डोंट वॉन्ट टू यू नो व्हाट आई एम सेइंग. आई डोंट वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू लिव. तो जो प्रॉब्लम थी उसको समझी, अपनी डिजीज को समझा, इसको मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ आगे कि आई लिव लॉन्ग. बहुत करेज चाहिए, करेज चाहिए ये सब चीज़ को. दैट वॉज द जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ. एंड आज मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ. यू कॉल इट सेल्फिश, यू कॉल इट ऑब्सेशन, यू कॉल एनीथिंग, बट दिस इज सेल्फ लव. दिस इज सेल्फ लव. विशाल नाम से आपका कनेक्शन है, चाहे केके के हो मतलब, और दोनों दिल है, दोनों दिल है ना. तो मतलब कुछ स्पेशल कनेक्शन हो जाता है. नहीं आप विशाल मतलब कैसे दिल से दिल का रिश्ता जुड़ जाता है. पता नहीं, देखो ना, पता नहीं. आई थिंक वी वी वाला जो वर्ड होता है ना लाइफ में, वी इज इम्पोर्टेंट. मुझे ऐसा लगा, वेदर इट्स विशाल, वेदर इट्स देर आर पीपल विथ वी नेम्स इन माई लाइफ, दे हैव बीन स्पेशल फॉर मी. एंड या आई मीन अच्छा लगा. मैंने कहा खतरों में भी विशाल था, यहाँ पे भी विशाल है. मैंने कहा चलो, देयर इज वन विशाल प्रोटेक्टिंग मी. पता है लोकेश से किसी ने पूछा कि विशाल जो है सना को पसंद करता था, कहते क्या ये क्या चक्कर है जाके विशाल से. यार देयर वर क्वेश्चंस आल्सो कि तू प्यार में तो नहीं पड़ गया. एंड ट्रस्ट मी, दैट बॉन्ड इज वेरी प्योर एंड वेरी प्योरली फ्रेंडशिप, नथिंग मोर टू इट. एंड मैं बड़ी हूँ उन दोनों से, तो दे आर जिगरे, मतलब फ्रेंड्स वाले जिगरे हैं, नथिंग मोर टू इट. सो मैंने विशाल को बोला, मैंने कहा तेरे को फर्क पड़ता है कोई तेरे कुछ भी बोले. तो बोला आई एम नॉट वरीड फॉर यू सन, आई एम वरीड फॉर यू. आप समझ रहे हो, वो लड़का इज नॉट वरीड फॉर मी, इज लाइक आई एम वरीड फॉर यू. व्हाई आर दे जॉइनिंग यू एंड मी टुगेदर, आई एम नॉट लाइकिंग दिस. मतलब पागल है क्या. सो सी mentality, he is not worried for himself. नहीं ऐसा लगा नहीं on air कभी भी, मतलब ना कभी भी नहीं. मैंने वही बोला, मैंने तेरे को लगता है कि नहीं ना छोड़ तू, बस जवाब देना ही नहीं किसी को. So I think yeah it's okay. पता है नेजी को रिश्ते आ रहे हैं, लवकेश को रिश्ते आ रहे हैं, और मुझे तो 110% है कि नेजी जो है ना लड़की आपसे ही अप्रूव करवाएगा, देख लेना. बा यू बेटर, बट नो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक नेजी इज अ बेटर जज. आई थिंक उसको बहुत लोगों ने मेरे बारे में भी शुरू बहुत चीजें बोली, बट उसने अपना विश्वास नहीं किया मुझ पर. हमारी भी जर्नी अगर आप देखेंगे दोस्ती की, वो ऐसी 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 उनके एक स्टेबल इस पे आई है. तो आई थिंक इज अ बेटर जज फॉर हिमसेल्फ, ही नोज वॉट इज राइट फॉर हिम एंड वॉट इज रॉन्ग फॉर हिम. सो बट बंदा डटा रहा मेरा हाथ पकड़ के, छोड़ा नहीं. सो ऑल द गर्ल्स आउट देयर, लड़के में बात है भाई, छोड़ेगा नहीं जल्दी. और डीएम आएंगे उसको, वो कह रहे थे मुझे मम्मी पापा से डर लग रहा है. प्लीज डीएम. आपको कितने डीएम आ रहे हैं. चलो लोकेश कह रहे इतने रिश्ते आ रहे, इतने रिश्ते आ रहे. नहीं आई थिंक मैं अपनी डीएम्स अभी तक खोली नहीं, क्योंकि मैं अभी तक डाइजेस्ट कर नहीं पाई हूँ. एज आई सेड दैट आई हैव बीन लिटिल ऑक्यूपाइड, थोड़ी डिफिकल्टीज मुझे लग रही है टू सेटल इन टू माई नॉर्मल लाइफ. मेरा फोन बजता रहता है, मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक ये चीज़ मैंने चाही थी. आई क्रेव्ड फॉर, आई क्रेव्ड फॉर, एंड दिल से मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ कि यार आज मुझे ये सब मिल रहा है, ये प्यार मिल रहा है. तो ऑफकोर्स डीएम्स आएंगे, आई विल चेक इन. एक लिस्ट बनाना, ये फिर कट कट लुकिंग फॉर रिश्ताज, फिर चॉकलेट कर, शादी जल्दी करनी है. व्हाट्सएप ग्रुप का नाम क्या रखा है आपके चारों का.
ओके आई कांट से दैट बट बना जरूर है. ये तो बताया मुझे लंकेश ने. नो अच्छा ऐसा नाम है कि बता ही नहीं सकते. नहीं ऐसा कोई नाम नहीं है बट या थूथू. ओके मतलब थूथू. नहीं मैंने बस थूथू इसलिए किया कि आई एम सो अच्छा. मैं तो उसका फुल फॉर्म ढूंढने लग गई थी. नहीं 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 थूथू मैंने मैं कभी भी कोई चीज सोचती हूँ जैसे गुड थिंग तो आई वैसे थूथू चिटी चिटी लाइक दैट वे सम लाइक नजर ना लगे. पता है लवकेश क्या कहता है. कहते हैं मुझे शादी में तो बुलाया सना ने फिर कहती है लिमिटेड लोग होंगे. फिर मैंने कहा यार लिमिटेड में मैं तो हूंगा ना. कहता है फिर मैंने उसको बोला कि तू सना है तो शादी तो करेगी ना पक्का पहले ये बता दे. आई थिंक हमें भी बहुत लोगों ने बोला कि यार लवकेश की शादी में तुम तो नाचते जाओ. मैंने कहा प्लीज मुझे बता देना मुझे क्या नाचना है. कपड़े बता देना थीम बता देना भाई मेरे तो वार्डरोब अलग होता है. कोरियोग्राफर भी भेज देगा सारा खर्चा. लवकेश देखिए हाँ तो वो जो है वो बहुत मजाक उड़ा रहा था आपका और आपकी शादी को लेके कि यार वो सना है तुम क्या समझती हो वो कर भी लेगी क्या. तो क्या कहेंगे किस बात कि लवकेश जो इस तरीके से आपकी टांग खिंचाई करता है. बट इट्स ओके दे माय फ्रेंड्स दे आर अलाउड टू. मुझे बुरा नहीं लगता है मतलब वो कुछ भी बोलेगा. अंडरस्टैंडिंग होती है यू नो दोस्ती दोस्त आपको समझता है मुझे ऐसा लगता है. एंड उनका समझाने का तरीका अलग होता है उनका बोलने का तरीका अलग होता है. एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग एंड आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव स्पॉट. आई डोंट वो मेरी टांग खींचे खींचे मेरा दोस्त है मेरा मजाक बनाए बनाए मैं भी हंसती हूँ उस चीज पे. So, yeah, अच्छा बिग बॉस तो खत्म हो गया बाहर एक अलग बिग बॉस चल रहा है आप जानती हैं. आपने कपड़ों की पहले ही मिक्स क्यों डाली थी मतलब क्यों इतनी सारी चीज़ें. हम बिग बॉस का कौन सा सीजन देख रहे हैं पहले मुझे ये बताइए भाई. 17 सीजन आ गया है OTT का 3 सीजन चल तीसरा वा खत्म हो गया है. तो यार मतलब मैं आई लव टू ड्रेस अप आई एम अ गर्ल मुझे बहुत अच्छा लगता है सजना संवरना. एक्ट्रेस हूँ यार I have to look good and if I'm coming on a platform where there are thousands of millions of people watching you why will you not want to look good. I want to look good aur yeah main to meri to puri team thi bhi hai main to haq se bolungi mere past mein ex contestant bolu ye bolu bahut sare log gaye hain they have you know planned prepared to main bahut prepared gayi thi ab wo kapdon ko leke agar ye log question kar rahe hain so I'm sorry show is over please. आप दिल्ली जाने वाली हैं मैंने सुना आप और विशाल. यस लवकेश को मिलने और हम शिवानी को भी बुलाने वाले. हाँ तो इतनी बड़ी लाइन. वी बीन मिसिंग ईच अदर अ लॉट एंड यस एज आई सेड द बॉन्ड इज वेरी प्योर सो दोस्ती की है तो दोस्ती निभाएंगे जरूर. उसमें नेवजी को शामिल करने की कोशिश करेंगी आप. हाँ नेवजी को तो करेंगे बट आई थिंक जब वो लोग बॉम्बे आएंगे तो हम 5 मिल सकते. ओके नेजी ने बोला कि उसने शिवानी से बात की और सारी डाउट क्लियर किए. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद आपने उसे समझाया होगा. नहीं नहीं उसने अपने दिल से किया. ओके आई थिंक बिकॉज यू नो वंस यू आउट ऑफ द हाउस यू वांट टू मेंड थिंग्स विद पीपल क्योंकि वो शो वो घर वैसा होता है जब आप एक दूसरे के अगेंस्ट होते हो. सो आई थिंक या एंड एज आई सेड मैं भी जब उस शो से निकली थी तो मैंने भी चीज़ें दफना के निकली थी. फॉर मी इट वॉज रेस्ट इन पीस एंड आई डोंट वॉन्ट टू गेट बैक. अभी मैं विनर इज बिन डिक्लेयर एवरीथिंग इज बिन डन I hold the trophy. It's been 5 days. अब उस पे आप पीछे जाके आप बोलोगे डिजर्विंग अनडिजर्विंग फिक्स्ड विनर. वो हर बार होता है डिजर्विंग विनर को अनडिजर्विंग. नहीं फिक्स्ड विनर. अब आजकल मैं नया चीज देख के खरीदा हुआ भी. What is this यार कम ऑन लाइक सीरियसली लाइक आप उस घर में थे आप तो मत बोलिए आपको पता है क्या चलता था क्या नहीं चलता था. बट इट्स ओके आई डोंट हैव एनीथिंग टू से ऑन दैट. आई विल जस्ट से ऑल द बेस्ट बी हैप्पी एंड मूव ऑन. यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.